गाइस, अगर आपने अपने लैपटॉप में फोटोशॉप का 2021 वाला वर्जन इंस्टॉल कर लिया तो गाइस आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स निकल के आते हैं इसके अपडेट में। और भाई, जो ये वाला वर्जन है उसमें मैं आपको टॉप 6 फीचर्स बारे में इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ से हमारा पहला फीचर्स निकल जाता है स्काई रिप्लेसमेंट के बारे में। तो गाइस, अगर आपने कोई फोटो क्लिक करी है और भाई उसका स्काई जो वहाँ पर कैप्चर हो गया है फोटो में, तो उसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे और कैसे उसको हम लोग हटाएंगे और चेंज करेंगे, ये सब आप इस फीचर्स में कर सकते हो और बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक क्लिक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो गाइस, यहाँ से अपनी फ़ोटो को आपको एक ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो ओपन कर लिया है और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमारा फ़ोटो जो है स्काई ओवर एक्सपोज है। तो यहाँ जाओ आप एडिट में और यहाँ से स्काई रिप्लेसमेंट में क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपको न्यू फीचर्स या न्यू टैब यहाँ पर खुल जाता है आपका। तो यहाँ से फोटोशॉप के एआई ने इसको डिटेक्ट कर लिया है इसके स्काई को, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने सारे यहाँ पर आपको फीचर्स दिखते हैं, मतलब कितने सारे स्काई दिखते हैं, और उन स्काई में से कोई भी स्काई आप यहाँ से ऐड कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद का भी स्काई, खुद की कोई फोटो है तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और भाई, ये इस तरह का बैकग्राउंड चेंज का भी इसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्काई जगह आप कोई भी फोटो यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा कि हमारा कितना कमाल का फीचर्स ये निकल के आता है। भाई, हमारा घंटों काम मिनटों में यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल चुटकी बजाते हुए। तो गाइस, अगला फीचर हमारा निकल के आता है हेयर रिफाइन के बारे में। तो गाइस, अगर आपने कोई फ़ोटो यहाँ से अपनी कोई फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया हो, तो गाइस यहाँ से आपको हेयर काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो गाइस, ये भी काम आपका बिल्कुल मिनटों में होने वाला है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग ये काम। सो गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मैंने एक फ़ोटो यहाँ से ओपन कर लिया है। एंड भाई, यहाँ पर आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आप चले जाइए और सिंपली आप सामने यहाँ पर 3-4 ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप इस सिंबल में क्लिक कर दो और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने आप ही इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेगा और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। एंड यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑब्जेक्ट अवेयर और कलर अवेयर। ठीक है, तो उसका भी यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले हमारे हेयर्स कैसे सिलेक्ट हुए हैं। तो गाइज़, यहाँ से कुछ हिस्सा इसने छोड़ दिया है, तो इसके लिए हम लोग रिफाइन हेयर में क्लिक कर सकते हैं और भाई इसके माध्यम से हमारा जो हेयर होगा वो बखूबी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कुछ हिस्सा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप कलर अवेयर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और भाई, जैसे ही ओके में दबाओगे आप, तो वो भी चीज़ यहाँ से फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ से रह गई है, तो यहाँ से सिंपली हमको मास्किंग का ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी हम लोग बाद में गैप कर सकते हैं अपने एडिटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ से मैं यहाँ से इसको गैप कर रहा हूँ उसकी मास्किंग के माध्यम से। और यहाँ से सिंपली आप इसको अगर डबल लेयर में क्लिक कर दो, मतलब इसकी डुप्लीकेट बना दो, तो वो भी चीज़ यहाँ से फिक्स हो जाएगी। तो गाइस, देखिए कितना कमाल का फीचर्स यहाँ से फोटोशॉप ने ऐड करा हुआ है हमारे लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो प्लीज़ लाइक तो यार जरूर कर देना। तो बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो गाइस, मेरा चैनल फोटो एडिटिंग पर बेस है। अगर आपको फोटो एडिटिंग के वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स में। सो गाइस, अगला फीचर जो होने वाला है बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक हेल्प के अंदर एक ऑप्शन मिलता है सर्च करने के लिए। तो कोई भी चीज़ आपको करना हो, जैसे मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट करना हो या कंट्रास्ट ब्राइटनेस, कुछ भी आपको इसमें करना हो, तो आप सिंपली उसको सर्च करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ से मैंने ये फ़ोटो ओपन करी है एंड यहाँ से आएंगे हेल्प में और भाई यहाँ से इसमें क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर्च करने का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ आप सर्च करो, जैसे ब्लैक एंड वाइट मैंने यहाँ सर्च कर दिया एंड ये उसका फीचर दिखा भी रहा है कि कहाँ पर ये मिलेगा आपको, और ओके में क्लिक कर दो, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत ही कमाल चीज़ है, आपको बिना कहीं टैब में जाए हुए, बिना किसी फीचर्स में जाए हुए आप सर्च करके भी कोई भी फीचर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है जो फोटोशॉप ने ऐड करी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स की ओर। सो गाइस, अगला जो फीचर्स है फोटोशॉप में, वो यार हमारी ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ही काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है देखते हैं इसमें क्या है फीचर्स है। तो गाइस, यहाँ से आप ये मैंने एक वाइट लेयर ओपन कर ली है, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में, और यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और भाई यहाँ से आपको बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं। एक फीचर ट्राइंगल वाला आपको दिखता है, तो ये चीज़ इसमें नया ऐड हुआ है। और इसमें भी क्या नया ऐड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप टैब में देखो और इसके साइज को आप कर्व कर सकते हो। कर्व समझते हो, मतलब कर्व कर सकते हो। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे आप छोड़ोगे तो ये उसी दिशा में कर्व हो जाएगा। और भाई यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिखता है, तो इसको भी आप फुल कंट्रोल कर सकते हो। कैसे करना है ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप
अपने फ़ोटो को और अपने डायग्राम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी फोटोशॉप में बहुत ही कमाल का फीचर है और भाई ग्राफिक डिज़ाइनर में ये बहुत ही काम आने वाला है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स की तरफ। तो गाइज़ अगले फीचर्स में हम लोग जाएंगे फ़िल्टर्स में। तो गाइज़ यहाँ पर फ़िल्टर में एक नया फ़िल्टर ऐड हुआ है न्यूरल फ़िल्टर के नाम से। तो ये पहले टैब यहाँ पर नहीं था लेकिन अभी यहाँ पर अपडेट में ऐड हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे न्यूरल फ़िल्टर में एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से हमारी मेन दो चीज़ें ओपन होती है, स्किन स्मूथिंग और स्टाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो स्किन स्मूथिंग क्या है आपको मालूम, मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड यहाँ पर हम लोग जाएंगे बीटा में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे फ़िल्टर्स आपको यहाँ दिखते हैं, जैसे स्मार्ट पोर्ट्रेट। तो भाई ये भी काफ़ी क्रेज़ी फ़िल्टर है, क्या होता है इसमें आप देखने वाले हो। तो ये चीज़ देखो पहले। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो भाई आपके फेस को ये डिटेक्ट कर लेगा। और भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी फ़ीचर्स ये वर्क करते हैं, ये वाला फ़ीचर्स मेन चीज़ ये वर्क करता है इनके क्लाउड सर्वर पर। तो भाई इसके लिए आपका कनेक्शन और इनका जो अकाउंट होता है लॉगिन वाला, वो आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से कितना स्लो और फास्ट काम कर रहा है ये आपका निर्भर करता है आपके पीसी पर, और आपका पीसी किस तरह का है, मतलब किस तरह इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये सब बातें भी आपकी निर्भर करती हैं स्लो और फास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है भाई जो काफ़ी क्रेज़ी है, वो है हमारा फेशियल एज का, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, अपने आप अपने फ़ोटो को जवान भी कर सकते हो और भाई बुढ़ा भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ओल्डर एंड यंग दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे इस केस में मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो ली है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने इसको पीछे किया तो भाई ये जवान से और भी जवान हो गया, और जब मैंने इसको आगे इसका डायलॉग बढ़ाया तो भाई ये और भी बुढ़ा मतलब ओल्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें आप ये सब काम इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगला फीचर हमारा स्किन स्मूथनिंग के ऊपर है। भाई ये फीचर्स एक ऐसा फीचर है जो भाई आपके डेली यूज़ में बहुत ही काम आने वाला है। फ़ोटो को अगर आपने एडिट किया और भाई उसका अगर स्किन स्मूथ नहीं है तो भाई फ़ोटो जो है बिल्कुल अधूरी सी लगती है, ठीक है। तो ये काम कैसे होने वाला है आइए देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ओपन कर ली है एंड यहाँ से पहले इसका एक्सपोजर बढ़ाओ और यहाँ से कर दो ओपन, ठीक है। तो ये फ़ोटो हमारी ओपन हो चुकी है एंड आप यहाँ से देख पा रहे हो कि हमारी जो स्किन है वो यहाँ से एडिट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग फ़िल्टर्स में एंड यहाँ से एक न्यूरल फ़िल्टर में क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ से आपको बेसिकली इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, ब्लर और स्मूथनेस का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ से फुल कंट्रोल मिल जाता है यहाँ से ब्लर का और स्मूथनेस का, ठीक है। तो ब्लर में हमारी स्किन यहाँ से हल्की सी ब्लरी टाइप की हो जाएगी, और भाई उसको कितना स्मूथनेस करना है तो ये आपको नीचे वाले ऑप्शन में मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, और भाई ये भी काफ़ी फीचर्स काम आने वाले हमारी रोज़ की ज़िंदगी में और रोज़ की एडिटिंग में। तो गाइस अगले फीचर्स में आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग किसी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को उसमें कलर कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाओ फ़िल्टर्स में और यहाँ से न्यूरल फ़िल्टर में क्लिक कर दो जैसे मैंने पहले किया था, और यहाँ से आपको, और यहाँ से आप देख पा रहे हो आपको एक ऑप्शन मिलता है कलराइज़ का, तो उसमें आपको चले जाना है सिंपली, ठीक है। तो उसका टैब आप ओपन कर दो और भाई यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसने फ़ोटो अपने आप ही इसको डिटेक्ट कर लिया और भाई इसका कलर भी डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ये भी काफ़ी क्रेज़ी फीचर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इतना कर रहा हूँ, और जहाँ पर आप क्लिक करोगे फ़ोटो में तो गाइस शर्ट में आप क्लिक करोगे तो आपका शर्ट कलर यहाँ से चेंज होने लगेगा। तो भाई ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है भाई, काफ़ी क्रेज़ी चीज़ है जो आपकी एडिटिंग में और भाई आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम आने वाली है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, और भाई आगे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सुनता हूँ फिर से किसी अगली दूसरी वीडियो में। गुड बाय।